हेलो एवरीवन। और ये मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था, तो वो मैंने पहन लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक्चुअली कैसे दिखाऊं। ओके, दिस इज माय ड्रेस, दिस इज जंप सूट, और ये नीचे से ऐसे है, इधर से ऐसा है, और ये मेरी जूती जो मैंने शिवालय से ली थी। दिस इज द लुक। ओके, तो दिखा दिया मैंने, और मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी परेशान हूँ। जंप सूट अच्छा है, ये मैंने बहुत पहले मंगाया था, मुझको इसका आउल प्रिंट प्लस इसका जो डिज़ाइन है, जो भी है पैटर्न है, बहुत पसंद आया था। इसमें बस एक प्रॉब्लम है, सुसू कैसे करेंगे। मैं पानी बहुत पीती हूँ ना, मेरे जैसे लोगों के लिए जो प्रॉब्लम होती है, और पूरे विंटर यही प्रॉब्लम होती है कि यार सुसू कैसे करेंगे, कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सुसू कैसे करेंगे, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स जाना सबके बस की बात नहीं है, हर कोई पब्लिक टॉयलेट्स नहीं जा सकता। तो मैं वो इंसान हूँ कि मुझे अपने घर में ही जाना पसंद है। तो ये चोट मुझसे किसी ने पूछा था कि कैसे लगी, मैं बहुत, मेरा एक्चुअली स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है जब मैं कुक करती हूँ, या स्पेशली मैं फ्राई करती हूँ, जैसे फ्राई वाला आइटम है, डीप फ्राई, पूरी निकाल रही हूँ, कचौड़ी निकाल रही हूँ, तो ये मेरे कढ़ाई टच हो गई थी, वही जल गया था। अब जलती ही रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा टच होता रहता है, तो मैं थोड़ा सा एक्चुअली परेशान हूँ। मैं अभी गई थी रेडी, मैं बहुत पहले हो गई थी, काफ़ी पहले ही रेड हो गई थी, हाँ सच में रेड हो गई हूँ। तो मैं एक्चुअली गई थी अपनी, यहाँ पर एक बिल्डिंग में ही रहती थी, अभी वो दूसरी बिल्डिंग में है, ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस इतना ही कि जैसे मेरा था वैसे उनके साथ भी थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और उनके जो है, अभी मैं गई थी क्योंकि वो शायद आज यहाँ से जा रही है अपने बच्चों को लेके, तो मैं मिलने गई थी, और वहाँ पर उनके पेरेंट्स थे, भाई आए हुए हैं और पेरेंट्स आए हुए हैं, तो दोनों से ही मेरी बात हुई। मैं गई तो आंटी भी थी और अंकल, दोनों ने ही मुझसे बात करी, थोड़ा सा उन्होंने वहाँ के बारे में बताया, थोड़ा मैंने अपने बारे में बताया, तो बहुत परेशान हो गई थी मैं, मतलब या तो आप सोचो मत, फिर आप अगर आप उस बारे में बात करते हो ना, तो आँखें, दिमाग, सिर सब भारी हो जाता है। उस वक्त ये लगता है कि मुझे ये लगता है मेरे साथ कि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी जब मेरे आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया, लेकिन आज के टाइम पे कोई मुझे मार के तो दिखाए, मुझे इतना हर्ट होता है अंदर से, मतलब आप अगर सामने वाला पर्सन आपसे वीक है, आपसे कमज़ोर है, आप अपनी ताकत उस पर दिखाओगे। कि अभी मैं जा रही हूँ साथ में, और ये देखिए मेरा ग्वाला तैयार हो गया है। ग्वाला, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? नीचे है बच्चा मेरा। तो जा रही हूँ, और ये मैडम का लुक है। बाय बाय। अरे ठीक से दिखाओ, दिखाओ। वैसे मैं कभी तैयार नहीं होती हूँ, लेकिन आज मेरा बैग मेरा शोभा बिगाड़ रहा है। ठीक है, सी सिलाई वाला बैग लेके जा रही हूँ। हेलो, हैप्पी होली। अभी देना मेरा ये दिख गया, अभी होली बाकी है, होली के दिन का भी ब्लॉग जाएगा, काट देना। हाँ, तो मैं परेशान हो गई हूँ, और आपको दिख रहा है मेरे फेस पे, ये मेकअप तो बहुत सारा है, बट टेंशन अलग से दिख रही है, और इसको नॉर्मल होने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं होती नहीं हूँ परेशान, ये मेरी आदत है कि मैं कभी भी परेशान दिखाती नहीं हूँ अपने आप को, लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर तो मैं जाती हूँ, और मुझे बताइएगा मेरा आउटफुट कैसा, आउटफुट कैसा लगा, मेरा आउटफिट मेरा कैसा लगा, और मेरा ये कोतू कैसा लगा, और मेरा ये उल्लू वाला कपड़ा कैसा लगा, और जिसको पहन के मैं लग रही हूँ उल्लू। ये आउल प्रिंट बहुत आजकल फैशन में है ना, देखिए मैं कैसे बैठी हूँ।
आउल प्रिंट आजकल बहुत फैशन में है ना, बहुत अच्छा है, ट्राई करिएगा। और ये अगर आपको ड्रेस चाहिए ना तो अप टाउनी करके इंस्टाग्राम पे एक पेज है, अप टाउन UPTOWN IE है या ई है, ऐसे ही कुछ है, तो आप डालना तो आ जाएगा उसमें ये ड्रेस। और अमेजोन पे भी है, अमेजोन से ले सकते हैं, अमेजोन से ले लीजिएगा। मेरा क्लचर कहाँ गया, तो चलिए मैं जाती हूँ और मैं वहाँ का दिखाती हूँ आपको जहाँ पर मैं जा रही हूँ। और ये रहा, यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि प्रिपरेशन कर रही हैं, डेकोरेशन कर रही हैं, कुछ अपने बच्चों को वही लेकर आई हैं। जैसे हम लोग विवान को लेकर गए थे और आज का ड्रेस कोड था यहाँ का स्कर्ट, और ये हैं जो मेन हैं यहाँ की ओनर, तो वो डांस कर रही हैं, वो काफ़ी मतलब भक्ति करती हैं, उनको पसंद है, मतलब बहुत प्रॉपर वे में करती हैं। तो अभी वो बिल्कुल मगन हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं डांस कर रही हैं। कृष्ण जी का गाना चल रहा था, मैंने बंद कर दिया क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इस वजह से। हेलो, तो देखा ही आपने कि क्या क्या वहाँ पर किस तरह से होली खेली। पहले तो मैं जब गई थी तो मुझको एक्साइटमेंट नहीं आ रहा था क्योंकि मैं नहीं घुलती मिलती जल्दी, और रुचि से मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर जाना चाह रही हूँ, तो वो बोली कि नहीं थोड़ी देर रुको फिर चलेंगे। धीरे से फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, और फिर जब म्यूजिक व्यूजिक चला और फूलों की होली खेली गई तो फिर अच्छा लगने लगा। और घर आए हैं तब फिर थोड़ा सा अभी रेस्ट किया है, और ड्राइवर ने बहुत लेट कर दिया है उसकी वजह से हम लोग निकल नहीं पाए अभी तक। और अभी टाइम हो रहा है 4:15 ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग निकल नहीं पाए हैं। और पता नहीं वहाँ पर जाकर अब क्या ही खरीद पाएंगे, क्या ही ले पाएंगे, तो निकलते हैं अभी। वहाँ पे अंधेरा ही हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जो भी लेते हैं। छुओ, टच करो चिकन, चिकन को विवान तो चिकन खाएगा। चिकन
ले चले इसको, ले चले। देखो देखो वो क्या कहते हैं, हेलो। अरे जरा हेलो ना करो। चिकन चिकन ये चिकन खाने वाला है बेचने वाला? तो लोग ले जाते हैं। अब चिकन को लोग पालेंगे तो नहीं खाएंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है। ये हम लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि दूसरी शॉप पर भी हम लोग देखने के लिए रुक गए थे, सारे क्यूट क्यूट ये पहाड़ी तोते के बच्चे हैं। देखिए हम लोग इन्हीं को ही पहले खरीदने जा रहे थे, लेकिन ये 1500 का एक है तो छोड़ दिया, इतना महंगा नहीं लेना था। और जो ये छोटे छोटे से बर्ड्स हैं ना, इसी में से दो बर्ड्स लिए हैं, और ये नॉर्मल तोते हैं। ये यही है पहाड़ी तोता, इतना बड़ा होता है, देखिए इतना बड़ा हो जाएगा उसका साइज़। और ये छोटे छोटे टू क्यूट क्यूट रैबिट्स थे जो हम लोग के सामने ही बिक गए थे, एक लोग आके ये दोनों ही खरीद कर ले गए थे। तो वो जो पैरट थे जो 1500 का एक था वो तो छोड़ दिया हम लोगों ने, उसने बोला कि होली के 10 दिन बाद आना तो आपको जो है जो देसी तोता होता है उसका बच्चा मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वेट करना सही है, 1500 का एक तो नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो और उसकी आँखें भी निकली थी, आपने देखा होगा वो आँख भी नहीं खोले थे। तो ये सारी बर्ड्स हैं, तरह तरह के पैरट्स हैं और दूसरी भी तरह की बर्ड्स हैं, देख सकते हैं आप। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, और ये एक कॉर्नर पे ये माउस थे वाइट वाले, तो रुचि ने बोला कि इनको भी शूट करो, देखिए कैसे बैठे हैं। तो पैरट तो नहीं मिले क्योंकि वो दूसरे पहाड़ी वाले मिल रहे थे बच्चे, और वो बहुत महंगे थे। हाँ छोड़ दो छोड़ दो। तो हम लोग ने ये दो बर्ड्स ले ली, बहुत प्यारी लग रही थी, ये भी हम लोग ने उड़ाने के लिए लिए, रुचि को उड़ाना है इनको, तो थोड़ा टाइम रख के फिर वो इनको उड़ा देगी। बट ये देखिए कितनी सुंदर है, एक रेड और एक ग्रीन लिया हम लोगों ने, सो स्वीट। मॉली बहुत खुश हो जाएगी और विवान भी बहुत खुश है। तो मैं घर आ गई हूँ जस्ट अभी, और मेरी बैंड बज गई है, आप देख सकते हैं मेरी आँखें और सब कुछ देख सकते हैं, नहीं सब कुछ नहीं देख सकते हैं, मतलब वैसे मतलब समझ जाइए, अरे समझ जाइए, पागल हो गई हूँ, सुबह की उठी हूँ 5:45 की। और वहाँ पर मैं गई थी जो परेड है ना, तो उसमें जो साहित्य भवन है उसके पास किंग गोल्ड पेंसिल थी, तो मैं लास्ट टाइम उसके पास से 4-5 पैकेट ही लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसके पास से पूरा बॉक्स ले लूँ क्योंकि वो अच्छी है पेंसिल। तो मैं लेने गई तो उसके पास बॉक्स ख़त्म हो गया था, तो ये कुछ 5 पैकेट हैं, तो मैंने ये ले लिए किंग गोल्ड के, और मैंने उसको बोल दिया है तो कि मैं होली के बाद आऊँगी और मुझे पूरा एक डब्बा चाहिए, तो उसने बोला ठीक है मैं मंगा लूँगा, तो होली के बाद जाके मैं फिर वो ले लूँगी। और मैं बहुत थक गई हूँ, तो आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करती हूँ। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टाटा।